हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड फैक्टर्स क्या हैं इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में और जानेंगे। गोलू ने बाजार से 24 पेंसिलों का एक डब्बा खरीदा। गोलू ने सोचा कि वो इन पेंसिलों को अपने दोस्तों में बराबर बराबर बांटेगा। पहले गोलू ने सोचा कि वो अपने दो दोस्तों को 12-12 पेंसिल्स देगा। उसने एक कागज पर इस तरह का एक गोला बनाया और उसमें 24 लिखा। फिर उसने इस तरह से उस गोले में से बाहर की ओर दो रेखाएं बनाई और उनके दूसरे छोर पर दो गोले बनाए। इन गोलों में उसने 2 और 12 की संख्याएं लिख ली। बच्चों, क्योंकि 2 × 12 हुए 24, 2 और 12 ये संख्याएं 24 के क्या हुए? बिल्कुल ठीक, गुणनखंड फैक्टर्स। अब गोलू सोच रहा है कि क्या उसके दोनों दोस्त भी अपनी 12 पेंसिल्स को और दोस्तों में बांट पाएंगे। मेरे दोस्त अपनी 12 पेंसिल्स को उनके दो दोस्तों को 6-6 पेंसिल्स देकर बराबर बराबर बांट सकते हैं। ये सोचकर गोलू ने 12 से 2 रेखाएं बनाई और उनके दूसरे छोर पर 2 गोले बना लिए। इस गोले में गोलू ने 2 लिखा और इस गोले में 6 लिख लिया। बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं, गोलू ने यहां क्या किया है? बिल्कुल ठीक, गोलू ने 12 के 2 गुणनखंड लिखे हैं। अब गोलू सोच रहा है कि क्या वो दो दोस्त उनके और दो दोस्तों में वो 6 पेंसिल्स बराबर बराबर बांट पाएंगे। बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। जी हाँ, वो दोस्त अपनी 6 पेंसिल्स को दो दोस्तों को 3-3 पेंसिल्स देकर बराबर बराबर बांट सकते हैं। ये उत्तर हमने कैसे ढूंढा? बिल्कुल ठीक, 6 के गुणनखंड ढूंढकर। गोलू ने एक बार फिर इस तरह से 2 लकीरें और गोले बनाकर उसमें 2 और 3 की संख्याएं लिख ली। बच्चों, क्या ये दोस्त अपनी 3 पेंसिल्स को अपने और दोस्तों में बराबर बराबर बांट सकता है? जी हाँ, ये दोस्त अपनी 3 पेंसिल्स को अपने 3 दोस्तों को 1-1 पेंसिल देकर बराबर बराबर बांट सकता है। गोलू ने ये इस तरह से 3 और 1 की संख्या लिखकर अपने चित्र में जोड़ लिया। बच्चों, क्या आपको गोलू के बनाए चित्र में कुछ खास नजर आ रहा है? जी हाँ, गोलू के चित्र में 24 के गुणनखंड नजर आ रहे हैं। इस तरह का चित्र जिसमें किसी संख्या के गुणनखंड के गुणनखंड लिख लिख कर हम उस संख्या के सारे गुणनखंड दर्शाते हैं, गुणनखंड पेड़ फैक्टर ट्री कहलाता है। गोलू ने अपनी 24 पेंसिल्स अपने दो दोस्तों में बराबर बराबर बांट दी और उन्हें वो गुणनखंड पेड़ फैक्टर ट्री का चित्र देकर उसके मुताबिक उनके और दोस्तों को वो पेंसिल्स बराबर बराबर बांटने को कहा। बच्चों,
अगर गोलू के पास 24 के बजाय 20 पेंसिल्स होती तो क्या आप 20 की संख्या के लिए इस तरह का गुणनखंड पेड़ फैक्टर ट्री बनाकर उसके सारे गुणनखंड ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने ये गुणनखंड पेड़ फैक्टर ट्री बिल्कुल सही बनाया है। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में और जाना।